dear all, our today's topic is World Famous Monuments, which is lesson number 9 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है, so वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो दिस इज लेसन नंबर 9 फ्रॉम योर जीके बुक, वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स. ठीक है ना? तो अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स, है ना? तो उसमें क्या था? उसमें वो वाले मॉन्यूमेंट्स थे जो इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना? अगर सबने वीडियो देखा होगा लास्ट वाला, तो उनको पता होगा. आई थिंक वो लेसन नंबर 8 था. तो उसमें हमने क्या किया था? इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स देखे, जो इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं. ठीक है, अब आज हमने 9 चैप्टर में क्या पढ़ना है? वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो वर्ल्ड में फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं. समझ आ रहा है ना? वर्ल्ड में जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में हमने आज पढ़ना है लेसन नंबर 9 में. ओके, सो सीधा मैं आपकी एक्सरसाइज में आती हूँ और फटाफट से, बहुत छोटू सा चैप्टर है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना. ठीक है, आई होप स्क्रीन क्लियर है, आई होप मेरी वॉइस क्लियर है. ओके, सो प्लीज़ ध्यान से पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना. ओके ओके ओके, सो स्टार्ट करती हूँ. सी क्वेश्चन है, मैनी मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर फेमस फॉर देयर स्प्लेंडेड ब्यूटी एंड आर्किटेक्चर. ओके, सो ऐसे बहुत से वर्ल्ड के फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो फेमस हैं. किस वजह से फेमस हैं? उनकी जो स्पेशल वाली ब्यूटी है, मतलब ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं, है ना? और उनका जो आर्किटेक्चर जैसा है, वो उस वजह से क्या है? वो फेमस हैं, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, वो अकेला ही वैसा है, है ना? कोई एक एक मॉन्यूमेंट है तो उसके जैसा दूसरा कुछ बना ही नहीं है, है ना? वो अकेला ही ऐसा है, उसका उसको उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं. ठीक है ना? तो वो जो भी मॉन्यूमेंट है, जैसा है, वो अपनी जगह बहुत स्पेशल है, है ना? सो वो अपनी इन चीज़ों के कारण वर्ल्ड में फेमस हैं. ठीक है ना? ये मॉन्यूमेंट्स. अब हमने इस चैप्टर में करना क्या है, ये देखो. नेम द कंट्री वेयर दीज मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. सो हमारे पास हमेशा क्या होता है? ये हेल्प बॉक्स होता ही होता है. क्यों होता है? हमारी हेल्प करने के लिए होता है. ठीक है, कैसे हमारी हेल्प करता है? ऐसे हमारी हेल्प करता है कि इसमें क्या हिंट छुपी हुई होती है ना, इसी में से हमने आंसर को ढूंढ के लिखना होता है. जो आपको ब्लैंक एरिया दिया होता है, वहाँ पे आपको लिखना होता है. ठीक है ना? सो ये क्या है? ये हेल्प बॉक्स है, वे हमारी हेल्प करेगा. ओके, अब हमने करना क्या है? आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि पिक्चर्स बनी हुई है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, है ना? आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर बनी हुई है. किस चीज़ की पिक्चर है ये? ये मॉन्यूमेंट्स है ना, वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, ये मॉन्यूमेंट्स के इमेजेस हैं. हमने क्या करना है? और आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं. क्या है ये? ब्लैंक बॉक्स था. अब तो मैंने भाई इसमें आंसर फिल कर दिया है, तो अब ये ब्लैंक रह नहीं गया है. तो ये क्या है? ब्लैंक बॉक्स था. इसमें हमने करना क्या था? इसमें हमने जस्ट ये करना था कि जो हेल्प बॉक्स की हेल्प से ये जो मॉन्यूमेंट है, वो कहाँ पर है, किस कंट्री में है, बस वो लिखना था हमने इसमें. ठीक है ना? ये जो मॉन्यूमेंट है, वो किस कंट्री में है, किस कंट्री में लोकेटेड है, बस हमने आंसर में ये लिखना है. ओके, तो आज हमको क्या पता चलने वाला है कि जो इतने फेमस मॉन्यूमेंट हैं, वो किस कंट्री में है. ओके ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. अभी देखो बेटा, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगी. ठीक है ना? ओके, सो फर्स्ट आपको ये इमेज दिख रही है. सी फर्स्ट आपको इमेज ये वाली दिख रही है ना. अब ये क्या है? ये एक मॉन्यूमेंट है. इसका नेम क्या है? सिडनी ओपेरा हाउस. क्या नेम है इसका? सिडनी ओपेरा हाउस. ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ जिसमें आपको क्लियर दिखेगा. सो फर्स्ट इमेज आपका ये रहा. इसका नेम है सिडनी ओपेरा हाउस, जो लोकेटेड है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में. सिडनी ओपेरा हाउस कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. ठीक है, कभी नहीं भूलना. सिडनी ओपेरा हाउस है, ये एक मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है. ये कहाँ लोकेटेड है? ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके, सेकेंड ये है. सेकेंड आपका ये है. ओके, ये आपको दिखा.
ये है आपका सेकेंड मॉन्यूमेंट. नेम क्या है इसका? लीनिंग टावर. क्या नेम है? लीनिंग टावर. ओके, अब ये जो इतना प्यारा सा मॉन्यूमेंट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? ये लोकेटेड है इटली में. ठीक है, कहाँ पर? इटली में. इटली एक कंट्री है ना, वहाँ पर लोकेटेड है. क्या लोकेटेड है वहाँ पर? लीनिंग टावर. ओके, सेकेंड आपको दिख गया होगा. ऐसे नेम लिखे ना, ये टावर बना, ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है और इसके ऊपर इसका नेम लिखा हुआ है. ओके ओके, नाउ थर्ड इज सी. थर्ड दिखा आपको, ये है थर्ड. ओके, ये थर्ड मॉन्यूमेंट है. इसका नेम क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है बिग बैन. ओके, बिग बैन. ये जो मॉन्यूमेंट आपको दिख रहा है, इसका नेम है बिग बैन. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यूके में. यूके में मीन्स यूनाइटेड किंगडम. ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम. ओके, सो यूके का फुल फॉर्म बताया मैंने, यूनाइटेड किंगडम. ओके, सो जो बिग बैन मॉन्यूमेंट है, ये वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? ये लोकेटेड है यूके में. ठीक है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओके नाउ फोर्थ वन इज, ये आपको दिखा, ये है आपका फोर्थ. ओके, फोर्थ आपको, फोर्थ नंबर पे आपको जो इमेज दिख रही है, ये क्या है? ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी. क्या है ये? स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ओके, ये भी बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, आपने इसको मूवीज़ वगैरह में बहुत देखा होगा. ठीक है ना, ये कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? ये लोकेटेड है USA में. कहाँ पर? USA में. ओके, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USA? सो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, इसका ये फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट में हम इसको USA बोल देते हैं. ठीक है ना, और इसको ये ऐसे भी जान, इसको US भी बोलते हैं और ओनली अमेरिका भी बोल देते हैं. ठीक है, USA भी, US भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स या और अमेरिका, है ना. तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर लोकेटेड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब USA में लोकेटेड है. ठीक है ना. ओके, नाउ लास्ट वन इज दिस वन. आपको ये इमेज दिख रहा है ना. ओके, ये हमारा लास्ट मॉन्यूमेंट है इस चैप्टर में. इसका नेम क्या है? आईफिल टावर. इसका नेम क्या है? आईफिल टावर. आई थिंक आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आईफिल टावर. ठीक है ना, ये क्या है? आईफिल टावर है. ये कहाँ पर है बेटा? ये है फ्रांस में लोकेटेड. ओके, फ्रांस एक कंट्री है, वहाँ पर ये लोकेटेड है. कहाँ पर? फ्रांस में. ठीक है ना, आईफिल टावर कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रांस में लोकेटेड है. ओके बेटा, ओके ध्यान से सुनो. ये जो चैप्टर है, आई होप वीडियो पूरा देखा होगा सबने, है ना. यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश. और एक बात, ये जो चैप्टर है, ये आपका एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि आप पिक्चर्स को पहचानिए, या ऐसे भी आ सकता है कि आपको पिक्चर दी होगी और आपको ऐसे बताना है इस चैप्टर के जैसे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है. सो दोनों वे में इसको पढ़ना. मॉन्यूमेंट्स के आपको नेम भी लर्न करने हैं कि इसका मॉन्यूमेंट्स के नेम क्या है, और ये भी लर्न करना है कि किस कंट्री में लोकेटेड है ये. ठीक है ना, किस कंट्री में है ये. ओके, सो दोनों चीज़ आपको याद करनी है. आई हो बेटा वीडियो पूरा देखा होगा आपने. ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ते हैं क्या लिखा है. डू यू नो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द सिडनी ओपेरा हाउस इज नोन एज द ताजमहल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. देखो अभी हमने नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था सिडनी ओपेरा हाउस, है ना. इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, फिर से देख लो. नंबर वन क्या पढ़ा हमने? सिडनी ओपेरा हाउस, है ना. इसका नेम लिखा हुआ है सिडनी ओपेरा हाउस. ये क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है? ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. ओके, और यहाँ पर डू यू नो मैं क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि सिडनी ओपेरा हाउस को क्या बोलते हैं? ताजमहल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना. सिडनी ओपेरा हाउस को हम ताजमहल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं. ठीक है ना, कभी नहीं भूलना, सिडनी ओपेरा हाउस को ताजमहल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, है ना. वो वहाँ पे इतना फेमस होगा भाई कि उसको वहाँ का ताजमहल बोला जाता है. ऑस्ट्रेलिया का ताजमहल है ना, इंडिया में अलग ताजमहल है हमारे, उसको उससे मत कंपेयर करना. इसको ऑस्ट्रेलिया का ताजमहल, जैसे किसी को निकनेम दे देते हैं ना, तो उसका निकनेम है ये. क्या है? ताजमहल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. किसका निकनेम है? सिडनी ओपेरा हाउस का. ओके, आई होप बेटा वीडियो सबने पूरी देखी होगी.
और आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।